सबसे तेज खबर जब भूल नमस्कार प्रणाम, मैं एक्टर अमित कश्यप। भारतीय सिनेमा जगत के दो महत्वपूर्ण स्तंभ इन दो दिनों में ढह गए। बहुत अपूर्णीय क्षति और निकट भविष्य में उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। टैलेंटेड एक्टर इरफान खान साहब और सुपरस्टार ऋषि कपूर जी का निधन निश्चित रूप से भारतीय सिनेमा जगत का एक बहुत बड़ा नुकसान है। मैं दोनों महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं मैथिल पुत्र सिंगर जितेंद्र कुमार जीतू, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष सहित हमारे बॉलीवुड के लिए बहुत ही दुखद घटना है कि पहले इरफान खान जी तत्पश्चात ऋषि कपूर जी का देहांत हो गया। निश्चित तौर पर यह हमारे भारतवर्ष के लिए, बॉलीवुड के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। मैं उन्हें अपनी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो हमेशा अमर रहेंगे। आज पूरा देश आहत में है कि हमने एक साथ सीने जगत के दो दो हस्ती इरफान खान और ऋषि कपूर को खो दिए हैं। हम कभी उन्हें भूल नहीं पाएंगे, इसलिए आइए उन्हें सत सत नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दुखद घड़ी है कि कल शानदार अभिनेता इरफान खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे और आज दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर साहब इस दुनिया से चल बसे। आज काफ़ी दुखद घड़ी है भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए और हम सारे कलाकारों के लिए। इन दोनों महान अभिनेताओं की क्षति एक अपूर्णीय क्षति है। ऐसे दिवंगत कलाकार हमेशा इस जहां में अमर रहेंगे। देश में व्याप्त कोरोना महामारी संकट के बीच बॉलीवुड से दो दो खबर ऐसी आ रही है। एक कल हमारे कल इरफान खान जी नहीं रहे और आज सुबह सुबह खबर आई कि महान कलाकार ऋषि कपूर ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि हम एक बुरे सपने में जी रहे हैं। महान कलाकार जिनकी अदाकारी हमेशा एक प्रेरणा की तरह हम लोग के बीच रही है, एक प्रेरणा बनी रहती है। इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करें। विक्रम।